हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन एट प्रोजेक्ट एजुकेशन। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं, और मैथमेटिक्स के जो अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे उनके अपडेट भी मिलते रहेंगे। तो अपनी लॉगरिथमिक इनइक्वेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लॉग 4x प्लस 6 अपॉन x टू द बेस 1 बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, क्या कहती थी इनइक्वेशन की प्रॉपर्टी, रूल क्या बोलता था? रूल बोलता था कि जब ये a लेस देन 0 हो तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो आप क्या लिखोगे, 4x प्लस 6 अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, लेस देन इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये क्या था, बेस था, ये नंबर था, ये पावर था। बेस पे कौन चढ़ेगा, पावर, यानी 1 बाई 5 पे क्या आएगा, 0। तो 1 बाई 5 पे 0 आएगा, तो क्या होगा, ये 1 होगा, लेस देन इक्वल टू। इसको सोल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो 4x प्लस 6 ये इधर आएगा माइनस 1, यानी x अपॉन x लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां क्या हो गया, यहां हो गया 3x प्लस 6 अपॉन x लेस देन इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, माइनस 2, ये क्या हो गया 0, प्लस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस 2, ये हो गया 0, ये प्लस माइनस प्लस। तो क्या होगा फ्रेंड्स, x एलिमेंट ऑफ माइनस 2 क्लोज इंटरवेल। क्या 0 ले सकता हूं क्या फ्रेंड्स, याद करें इनइक्वालिटी, 0 नहीं ले सकते क्योंकि यहां x है, यहां x है, तो 0 को अपन को नहीं लेना है, वरना ये टेंडिंग टू इनफाइनाइट बन जाएगा। तो 0 पे ओपन आएगा, इसको इसको लेना है फ्रेंड्स, इसको पक्का लेना है, क्योंकि अपने पास इक्वलिटी होल्ड कर रही है, इक्वलिटी होल्ड कर रही है। तो इस पे 0 होगा लेकिन इस पे 0 नहीं होगा, तो इसको गायब कर दे। तो माइनस 2 क्लोज एंड 0 ओपन, ये अपना सॉल्यूशन आया फ्रेंड्स, ये सॉल्यूशन आया। सेकंड अपने को क्या बात ध्यान में रखनी थी कि ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 है, ये नॉट इक्वल टू 1 है, ये भी क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन 0, कर दो इसको 4x प्लस 6 अपॉन x, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा, जब इसको 0 के इक्वेट किया 4x प्लस 6 को, तो मेरे पास आया माइनस 3 बाई 2, एंड x को जब 0 के इक्वेट किया तो मेरे पास आया 0। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, पूछा क्या गया है, ग्रेटर देन 0 सॉल्यूशन को क्या होगा, ये वाला एंड ये वाला। तो x एलिमेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट से माइनस 3 बाई 2 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट, ये मेरा सॉल्यूशन आया। फर्स्ट सॉल्यूशन मेरा ये, सेकंड सॉल्यूशन मेरा ये, ध्यान से देखें फ्रेंड्स, ये सॉल्यूशन आया, इसको ग्रेटर देन 0 करा लॉग को डिफाइन करने के लिए, तो ये सॉल्यूशन आया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड करना है, क्योंकि मेरी दोनों कंडीशंस लागू होगी तभी ये इनइक्वालिटी सोल्व होगी, वरना नहीं होगी। तो अब मैं क्या करता हूं, इनका इंटरसेक्शन लेता हूं, इंटरसेक्शन आप डायरेक्ट नहीं ले पाए तो आप इस नंबर लाइन पे ऐसे बनाए माइनस 2 से 0, माइनस 2 पे क्या है फ्रेंड्स, क्लोज, मतलब सर्कल कैसा आएगा, ब्लैक, 0 पे क्या है, ओपन, तो सर्कल कैसा आएगा, ओपन इंटरवल पे, ओपन सर्कल। फिर आया माइनस 3 बाई 2, माइनस 3 बाई 2 कुछ यहां आ जाएगा, माइनस 3 बाई 2 कुछ यहां आ जाएगा, तो इसको आप रेड से लिख दें, ये माइनस 3 बाई 2, तो ये माइनस 3 बाई 2 से इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, फिर वहां 0 से इनफाइनाइट, तो ये 0 से इनफाइनाइट। अब आप खुद देखें क्या आ रहा है, यहां पे ये पार्ट एंड ये पार्ट कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो देखो माइनस 2 पे यहां पे भी क्लोज, यहां पे भी क्लोज, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, माइनस 2 पे क्लोज होगा, एंड माइनस 3 बाई 2 पे ओपन यहां पे है, यहां पे क्लोज है, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, ओपन, तो माइनस 3 बाई 2 ओपन, ये अपना फाइनल आंसर आया फ्रेंड्स, दोनों का इंटरसेक्शन। नोट डाउन करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में। तो फ्रेंड्स, ये जब मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो यहां देखो बेस सेम है, प्रॉपर्टी आपको याद होगी, माइनस होते हैं तो ये अपॉन में आ जाते हैं, तो ये बन जाएगा लॉग 0.2, तो बेस में रह जाएगा, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एंड अपॉन में आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अब चलते हैं अपन लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी पे, कि ये लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, तो फ्रेंड्स क्या होगा, ये अपना नया क्वेश्चन बन गया एक तरीके से, ये वाला अब स्टार्ट हुआ, ये क्वेश्चन अपना नया क्वेश्चन है। तो ये बेस लेस देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, यानी क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखो ये वाला था बेस, ये वाला नंबर, ये पावर थी, तो बेस पे कौन चढ़ेगा, पावर, यानी मैं लिख सकता हूं लेस देन, चेंज होगा इनइक्वालिटी का साइन, एंड 0.2 पे पावर, 0 चढ़ी तो माइनस 1। अब फ्रेंड्स क्या होगा, ये 1 इधर आएगा, तो आपके पास क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 होगा लेस देन 0, तो माइनस 1 होगा, तो इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दे, माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस एक्स स्क्वायर, इससे किया तो माइनस 2x, इससे किया तो माइनस 3, तो ये अपने पास फाइनल इनइक्वालिटी बन गई ये।
अब देखें x square क्या हो गया 2x square, minus 2x क्या हो गया minus 3x, ये क्या हो गया minus 5 upon, नीचे यहाँ पे minus common ले x square minus 2x minus 3, minus common लिया मैंने यहाँ पे और उस minus को मैंने उधर भेजा तो greater than 0 हो गया, क्योंकि minus से multiply करने पे inequality का sign क्या हो जाता है change, यही हो समझ लो दोनों both sides multiplied by minus sign, तो both sides multiplied by minus sign then sign of inequality should be change, तो ये change हुआ। आगे बढ़ते हैं friends, इसके फैक्टराइजेशन करते हैं अपन, इधर कर लेते हैं फैक्टराइजेशन, अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं 2x square minus 3x and minus 5, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, तो फ्रेंड्स 2x square minus 5x plus 2x minus 5, ये देखो minus 10x square minus 10x square minus 3x, तो x common लिया आपने तो 2x minus 5 आया, यहां से 1 common लिया तो आपके पास आया x plus 1, वापस देखें 2x square minus 5x and plus का 2x and minus 5, तो मैं ये डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पे 2x minus 5 and x plus 1 अपॉन में क्या आया फ्रेंड्स, ये आ गया x minus 3 and x plus 1, ये अपन डायरेक्ट लिख देते हैं greater than 0, यहां पे देखें minus 3x plus x minus 2x and minus 3 and 1 minus 3, तो इसको अपन ने डायरेक्ट फैक्टराइज कर दिया। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, अपन इनके सॉल्यूशन लेते हैं, तो यहां देखें आप क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, तो अपने पास आ रहा है x is equal to, सबको equate to 0 करते हैं, तो 5 by 2 आ रहा है, यहां से minus 1 आ रहा है, यहां से 3 आ रहा है, and यहां से minus 1 आ रहा है, तो friends ये तो cancel out ही हो रहा है अपना, ये वाला and ये वाला cancel out हो रहा है, अपन ने ध्यान नहीं दिया, cancel out हो रहा है, तो ये तो cancel out हो गया, साथ साथ में एक चीज और हुई, ये cancel out हो गया, तो अपने पास क्या बचा, 2x minus 5 upon x minus 3, ये अपने पास बचे, 2x minus 5 upon x minus 3 अपने पास बची, and क्या हुआ कि x plus 1 cancel out हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान रखना आप x not equal to minus 1, x कभी भी minus 1 नहीं होगा, क्योंकि x को minus 1 करने पे जो starting condition थी ये 0 upon 0 बन जाएगी, तो x कभी भी minus 1 नहीं होगा, बस ये अपने को solution में ध्यान रखना है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ दो ही value बची अपने पास, एक तो 5 by 2 एक 3, तो ये तो हो गई 5 by 2 ये हो गई 3 plus minus plus, तो प्लस वाले सॉल्यूशन लेने, लेकिन ध्यान रखना है कि माइनस 1 उसमें नहीं आना चाहिए, तो यहां पे अपन सॉल्यूशन लेते हैं, तो x एलिमेंट क्या आता है अपने पास, इसको तो अपन क्लियर करते हैं, x एलिमेंट क्या आता है फ्रेंड्स, अपने पास ग्रेटर देन 0 था, तो यहां पे x एलिमेंट आ जाएगा अपने पास माइनस इनफाइनाइट टू 5 बाई 2 यूनियन माइनस इनफाइनाइट टू 5 बाई 2 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट, ये अपने पास आया फ्रेंड्स, ये अपने पास आया, साथ में अपने को ध्यान रखना था x को minus 1 नहीं लेना है, मतलब इसको minus 1 आप क्या कर दो, इसमें से सबस्ट्रैक कर दो, ये minus 1 आपने इस पूरे सॉल्यूशन में से minus 1 सबस्ट्रैक कर दिया, तो मतलब minus 1 सॉल्यूशन में अब नहीं है, तो फर्स्ट कांसेप्ट अपना क्लियर हुआ, फर्स्ट जो टास्क था, अब सेकंड टास्क अपना ये आया कि ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, किससे, लॉ की डेफिनेशन से, लॉ की डेफिनेशन बोलती है ये ग्रेटर देन 0 है, ये नॉट इक्वल टू 1 है, एंड ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 अपॉन माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन लगाए तो ऊपर वाले के फैक्टराइजेशन हो गए थे अपने पास x माइनस 2 एंड x प्लस 1, ठीक है, ऊपर वाले के फैक्टराइजेशन हो गए x माइनस 2 एंड x प्लस 1, एंड नीचे वाले में माइनस कॉमन ले लें आप, क्या कॉमन ले लें, माइनस, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, माइनस कॉमन लिया उसको माइनस को अपन उधर ट्रांसफर कर दें तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया, या यूं समझ लो बोथ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी शुड बी चेंज्ड, तो यहां तक क्लियर है, फिर इसके फैक्टराइजेशन आप लिखें, तो x माइनस 2 x प्लस 1 देन यहां हो गया x माइनस 3 एंड यहां हो गया x प्लस 1 लेस देन 0, एक बार फिर देख लें माइनस 3x प्लस x माइनस 2x एंड ये माइनस 3, यहां पे भी फ्रेंड्स क्या हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो अपने पास क्या आ रहा है 2 एंड 3, तो यहां पे क्या कंडीशन निकल के आएगी, x नॉट इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 अपन को सॉल्यूशन में नहीं लेना है, अपन नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, तो देखो यहां पे क्या हुआ 2 एंड 3 आया प्लस माइनस प्लस, लेस देन था तो अपना सॉल्यूशन होगा x एलिमेंट ऑफ 2 से 3, x एलिमेंट ऑफ 2 से 3, तो ये हुआ अपना सेकंड सॉल्यूशन, ये हुआ था अपना फर्स्ट सॉल्यूशन, तो अब फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्यूशन का आपको फ्रेंड्स क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन लेना होता है, क्या लेना होता है, तो इंटरसेक्शन अपन लेते हैं, यहां पे देखो ये बनाई अपन ने नंबर लाइन,
नंबर लाइन पे 2 से 3, ये 2 ये 3, तो इस सॉल्यूशन को कैसे इंडिकेट करोगे? ऐसे, ओपन सर्कल है दोनों तरफ, ओपन इंटरवल, तो सर्कल भी ओपन। फिर देखते हैं 5/2, 5/2 होता है 2.5, तो 5/2 अपना यहां आएगा। उसके बाद दे रखा है 3, चलो ठीक है, 5/2 से माइनस इंफाइनाइट इधर, एंड 3 से इंफाइनाइट यानी 3 ये रहा, तो 3 से इंफाइनाइट वाला साइन कहां जाएगा? यहां जाएगा, यहां से इधर। तो ब्लैक और रेड में से कॉमन कौन सा पार्ट आ रहा है? ये पार्ट कॉमन आ रहा है, 2 से लेके 5/2 वाला पार्ट कॉमन आ रहा है फ्रेंड्स। तो अपना सॉल्यूशन क्या होगा? x एलिमेंट ऑफ 2 से 5/2, ये अपना आंसर होगा। x एलिमेंट ऑफ 2 से 5/2 ये अपना फाइनल आंसर होगा। तो इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी मेहनत करवाएगा आपसे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये लेस देन अपने को ये दे रखा है, बेस यहां पे सेम है। तो सबसे पहला काम अपन ये करते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो ये माइनस में होगा, तो अपन इसको लिख सकते हैं लॉग बेस में 2x+3। तो यहां क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और ये क्या कहां पे आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा, 2x+3 लेस देन 0। तो ये अपना क्वेश्चन बन गया, यहां से अपन को स्टार्ट करना है, ठीक है? ये क्वेश्चन है, यहां से स्टार्ट करना। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी अपने, पहली चीज तो लॉग डिफाइन होना चाहिए, यानी 2x+3 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, 2x+3 नॉट इक्वल टू 1, एंड एक्स स्क्वायर अपॉन 2x+3 ग्रेटर देन 0। ये सब कंडीशन तो होनी चाहिए, लॉग को अपन बाद में डिफाइन कर लेंगे। पहले अपना ये दिक्कत है कि ये x ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा? ये ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 अपन को गिवन नहीं है, तो फ्रेंड्स आपको केस बनाने पड़ेंगे, और इसको एक बार अपन ग्रेटर देन 1 लेंगे, एक बार इसको लेस देन 1 लेंगे। तो फर्स्ट वाला केस लेते हैं अपन, 2x+3 ग्रेटर देन 1। केस फर्स्ट क्या लेते हैं? केस फर्स्ट लेते हैं अपन 2x+3 ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 है तो फ्रेंड्स कंडीशन क्या आएगी? x ग्रेटर देन -1। देखो ये उधर गया -2, 2 से डिवाइड हुआ -1, -2 एंड 2 से डिवाइड -1, तो x ग्रेटर देन -1, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट आई अपने कि भाई अगर इसको अपन ग्रेटर देन 1 लेते हैं। अब जब इसको ग्रेटर देन 1 लिया अपने, क्या लिया? 2x+3 को ग्रेटर देन 1, इसका मतलब जब ये उधर जाएगा, ये तो बेस है, ये तो क्या है? बेस। ये है नंबर एंड ये है पावर, तो बेस पे कौन चढ़ेगा? पावर। बेस पे पावर चढ़ेगा, यानी अपन लिखेंगे x स्क्वायर 2x+3 एंड उधर हो जाएगा 1। क्या इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये वाला क्या है? ग्रेटर देन 1 है, अपन ने लिया है, देखो ये वाला ग्रेटर देन 1 लिया है अपन ने, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो ये लेस देन 1, बेस पे पावर चढ़ा दी और लेस देन 1 कर दिया। जब ये इधर आएगा तो अपने पास बन जाएगा x स्क्वायर -2x-3 अपॉन 2x+3 लेस देन 0। ये लेस देन 0 हुआ, इसका मतलब कंडीशन क्या बनी? x कंडीशन बन गई अपनी x -3, फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, x प्लस 1 तो -3, ये -2x, ठीक है, 2x+3 लेस देन 0। तो ये अपने फैक्टराइजेशन हो गए फ्रेंड्स, -3 एंड प्लस 1। अब इन तीनों को जीरो के इक्वेट करा, तो यहां -1, यहां -3/2, -3/2 यहां पे, इसका -1 इसका यहां पे, 3 इसका यहां पे, प्लस माइनस प्लस माइनस, लेस देन 0 है, तो सॉल्यूशन कौन सा लोगे? लेस देन 0 वाला। तो x एलिमेंट क्या आएगा आपके पास? एक तो ये सॉल्यूशन होगा एंड एक ये सॉल्यूशन होगा। तो x एलिमेंट क्या आएगा? x एलिमेंट आएगा माइनस इनफाइनाइट से -3/2 यूनियन, फिर क्या होगा? -1 से 3। तो क्या होगा? -3/2 ये यूनियन -1 से 3, ये अपना सॉल्यूशन आया। तो ये अपना फर्स्ट सॉल्यूशन था, ये अपना सेकंड सॉल्यूशन था, ये अपना फर्स्ट था, ये सेकंड था। तो फर्स्ट एंड सेकंड का इंटरसेक्शन लेना है अपन को। तो अपना फाइनल सॉल्यूशन केस फर्स्ट का क्या आएगा? केस फर्स्ट का फाइनल सॉल्यूशन अपन यहां लिखते हैं, क्या? फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड, और कुछ अपने को लेना नहीं है। और जो लॉग को डिफाइन अपन फाइनल लास्ट में कर देंगे, जो केस फर्स्ट एंड केस सेकंड इन दोनों का सॉल्यूशन आएगा, उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे किसके साथ? लॉग की डेफिनेशन के साथ। तो 1 इंटरसेक्शन सेकंड क्या होगा मेरे पास? 1 इंटरसेक्शन सेकंड होगा x ग्रेटर देन -1 है, -1 से बड़ा होना चाहिए, तो -1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला सॉल्यूशन केवल अपने लिए इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, क्योंकि ये तो -1 से छोटे हैं, तो -1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये हो गया -1 to 3 आंसर। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ? -1 से 3, ये फाइनल आंसर है अपना किसका? केस फर्स्ट का। अब चलते हैं केस सेकंड पे, यहां तक नोट डाउन करें।
फ्रेंड सेकंड में क्या होगा, सेकंड में अपन लेंगे केस सेकंड में कि ये क्या होगा 2x plus 3 greater than 0 and less than 1. अब 1 से less लेंगे और 0 से greater तो होता ही है, log की definition सही. तो अपन ने इनका क्या लिया, value निकाली. तो x कहां से कहां तक लाई करेगा, minus 3 add करते हैं दोनों तरफ, तो minus 3 से greater 2x less than minus 2. अब 2 से divide कर दें तो minus 3 by 2 से greater है x less than है minus 1. तो ये अपनी वैल्यू हुई कि x यहां से यहां तक होना चाहिए, माइनस थ्री बाई टू से माइनस वन. सेकेंड क्या होगा, जब अब ये इधर जाएगा तो अब इसमें क्या चेंजेज आने वाले हैं, इस सॉल्यूशन में बस चेंजेज ये आने वाले हैं, जो यहां पे अपन ने ये लिया था ग्रेटर देन वन, वहां पे लेस देन होगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा. चेंज होगा तो यहां पर अपना जो लेस आया वो क्या आएगा, ग्रेटर आएगा. वो क्या आएगा, ग्रेटर. तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, यहां ग्रेटर आएगा. तो मैं अब सॉल्यूशन कौन से उठा लूं, केवल प्लस वाले सॉल्यूशन उठा लूं, यही तो चेंजेस आने वाले हैं. फ्रेंड्स वापस देखें, यहां अगर लेस था तो साइन चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, चेंज होगा तो क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा. यहां चेंज नहीं हो रहा था, वहां चेंज होगा तो ये ग्रेटर हो जाएगा. तो यहां माइनस वाले सॉल्यूशन उठे तो यहां प्लस वाले उठेंगे. तो मैं सीधा सॉल्यूशन लिख देता हूं, एक्स एलिमेंट क्या आएगा, माइनस थ्री बाई टू से माइनस वन यूनियन क्या आएगा, प्लस का ये हुआ एक, प्लस का हुआ थ्री से इनफाइनाइट. ये नंबर टू, ये नंबर वन. अब नंबर वन एंड नंबर टू का अपन को क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, नंबर वन इंटरसेक्शन नंबर टू. तो नंबर वन इंटरसेक्शन नंबर टू लिया अपन ने, तो अपने पास सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन क्या है, यहां पे माइनस थ्री बाई टू से माइनस वन, ये अपने पास फाइनल सॉल्यूशन आया. तो ये अपना आंसर हो गया सेकंड का. ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स बस काम ये बचा है कि लॉग को डिफाइन करना है. लॉग को डिफाइन करना है तो ध्यान से देखें, फर्स्ट केस में अपन ने इसको ग्रेटर देन वन लिया था, सेकंड में इसको जीरो से वन लिया था. तो ये तो डिफाइन है कि 2x plus 3 क्या है, 0 से ग्रेटर है. एंड नॉट इक्वल टू 1, बिल्कुल नॉट इक्वल टू 1 अपन ने यहां करा तो x क्या आया, x नॉट इक्वल टू आया अपने पास माइनस 1, कि x की वैल्यू कभी भी माइनस 1 नहीं होनी चाहिए. तो इस सॉल्यूशन में भी माइनस 1 नहीं है, इसमें भी माइनस 1 नहीं है. तो ये अपना सेटिस्फाई हो गया. ग्रेटर देन 0 अपन लेके पहले से ही चल रहे हैं, नॉट इक्वल टू 1 लेना है अपन को. नॉट इक्वल टू 1 लिया तो माइनस 1 नहीं होना चाहिए, माइनस 1 दोनों सॉल्यूशन में नहीं है. सेकंड ये 2x plus 3 पहले से greater than 0 लेके चल रहे हैं अपन, x square positive है तो ये वाला always positive होगा friends, ये वाला always positive होगा, ये वाली quantity है जो always positive होगी, क्योंकि x square positive होता है. 2x plus 3 देखें, 0 से 1 में लिया और यहां पे greater than 1 लिया, तो ये पहले से ही positive है, ये भी positive है. तो बस ये क्या नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए. 0 कब होगा, जब x equal to 0 होगा. तो x not equal to क्या होना चाहिए, 0. x